हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास सिक्स का फोर्थ चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसके जो हैं हम लोग आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर के कीवर्ड्स डिस्कस किए थे। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, मतलब आपको ऐसे फाइव ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि वुड के बने हों। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेबल, चेयर, स्पून, बॉक्स एंड डोर, पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो वुड की बनी हैं, आप उसमें से भी कुछ यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो है, यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसमें पूछा गया है कि जो इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि साइन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो चमक, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेटल्स में होती है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टील स्पून है वो सबसे ज़्यादा साइन करेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे ग्लास बाउल वगैरह भी जो है उसमें भी साइन होती है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया स्टील स्पून एंड ग्लास बाउल। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ आ गया है, लेकिन अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इस वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। तो अब हमारा फर्स्ट सेकंड डिस्कस कर लिया, हमारा थर्ड क्वेश्चन है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। तो अब आप बुक में जो आपकी दी हुई है वही टेबल यहाँ पे बनाई हुई है कि जिसमें कि एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखे हैं और एक तरफ मटेरियल्स लिखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, सूप, और मटेरियल में लिखा है कि ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या मैच करना है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल, मतलब ऑब्जेक्ट को मटेरियल से मैच करना है। फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट किन किन मटेरियल से बने हैं उससे मैच करना है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, कह रहा है इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हो सकता है। एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट, या फिर जो मटेरियल दिया हुआ है उससे हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें कि बुक, अब बुक को अगर हम पहला ऑब्जेक्ट हमारा बुक लिखा है यहाँ पे, तो बुक जो है यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल दिए हैं, ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, तो अब किससे बना होगा। तो अब हम अपनी आंसर वाली जो है टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट आपकी इस टेबल में थे वो तो इधर मैंने सेम लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने ये जो आंसर की टेबल है यहाँ पे सेम ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं क्वेश्चन वाले, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बुक जो है पेपर से बना होता है, टम्बलर जो होता है वो ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ टम्बलर में तीन मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। फिर चेयर, चेयर हमारी वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, तो यहाँ पे भी ये टू इसका हो गया। फिर टॉय, टॉय अब हमारे टॉय किसी के भी बन सकते हैं, जैसे कि पेपर का भी लोग बना लेते हैं, पेपर बोट, एरोप्लेन बच्चे बना लेते हैं। फिर लेदर के भी टॉय होते हैं, वुड के भी होते हैं, ग्लास के भी होते हैं। फिर शूज़, अब शूज़ जो हैं जैसे लेदर के, तो आपको पता ही है कि सब लेदर के शूज़ होते हैं, पर बारिश वगैरह में लोग जो हैं प्लास्टिक के शूज़ वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैंने देखा ये जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो किस किस मटेरियल से बने थे वो मैंने इस वाली टेबल में यहाँ पे आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ये जो मटेरियल यहाँ पे बताए गए हैं, जो इस क्वेश्चन वाली टेबल में ये जो मटेरियल बताए हैं, ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक, तो इन मटेरियल से भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो वो जो है अब हम अपनी आंसर की ये वाली जो टेबल तो हो गई, अब इस टेबल में देखेंगे इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मटेरियल्स लिख दिए हैं, जैसे ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक। अब जो है ग्लास से क्या क्या बन सकता है, जैसे टम्बलर बन सकता है, ट्वाय बन सकता है,
उड से क्या बन सकता है? उड से टम्बलर, टॉय एंड चेयर बन सकती है। फिर पेपर, पेपर से क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है? बुक तो होती ही है पेपर की, टॉय भी बन सकते हैं पेपर के, लेदर के शूज हो गए, टॉय हो गए, उसी तरह से प्लास्टिक का जो है टम्बलर हो गया, चेयर हो गया एंड टॉय हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं, और जो मटेरियल्स हैं उनसे एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स का है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवेन बिलो और ट्रू और फॉल्स। अब जो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं वो हमको बताने हैं। जैसे कि हमारा इसमें फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो जैसा कि हमने वीडियो में अपने पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ओपेक क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकें, और ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो स्टोन जो होता है उसके आर पार अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, और ग्लास के तो हम आर पार देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स लिख देंगे। फिर हमारा सेकेंड है, नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो अब हम देखेंगे कि जो नोटबुक है वो क्या होती है, उसमें तो कोई चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होती है, लेकिन जो इरेजर है कह रहा है कि इरेजर डज नॉट, लेकिन इरेजर में कह रहा है कोई लस्टर नहीं होती है। तो अगर आप नई इरेजर अगर आप देखें तो उसमें थोड़ी चमक होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। फिर अब थर्ड कह रहा है चॉक डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम चॉक को वाटर में डिजॉल्व करें, कितना भी उसको हम हिलाते रहें, लेकिन लास्ट में हम देखेंगे कि उसके जो बॉटम में है उसका पाउडर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है। जब कोई भी चीज़ किसी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है तो वो जो है डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन चॉक के केस में ऐसा नहीं होता है। तो चॉक डिसॉल्व इन वाटर ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। फिर फोर्थ है हमारा, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर हम किसी भी लकड़ी के जो है पीस को वाटर में डालें तो वो कह रहा है फ्लोट होता रहता है, हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा फोर्थ है, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब आप लोग अपना घर में नींबू पानी जब बनाते हैं उसमें शुगर भी डालते हैं, तो शुगर को जब बहुत देर तक चलाते रहते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाती है और दिखाई भी नहीं देती है। तो ये क्या है, ये कह रहा है शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अब इसका, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऑयल जो है वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है, मिक्स नहीं होता है, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा जो है सेवेंथ वाला है, सैंड सेटल डाउन इन द वाटर। अगर हम वाटर में सैंड को मिला दें तो वो कभी भी उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेटल डाउन, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर हमारा जो एट्थ वाला है कि वेनेगर, इसमें एट्थ वाला है वेनेगर डिसॉल्व इन वाटर। वेनेगर जो है वाटर में कह रहा है डिसॉल्व हो जाता है, तो ये जो है बात पूरी तरह से सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। कह रहा है यहाँ पे जो नीचे है कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज और सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिचर। तो ये सारे यहाँ पे क्या हैं, कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल के इनके नेम दिए गए हैं। अब कह रहा है ग्रुप देम एज, उनको ग्रुपिंग करनी है, किसमें किसमें, पहले तो करनी है राउंडेड शेप एंड अदर शेप, मतलब दो तरह से करनी है। यहाँ पे ये जो हमको दिए हुए हैं इतने सारे जो अभी हमने यहाँ पे देखे, ये सारे मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इसमें से जो राउंडेड हैं और जो राउंड नहीं है उन दोनों को अलग अलग करना है। फिर दूसरी हमको ग्रुप कैसे करना है, ईटेबल्स एंड नॉट ईटेबल्स, मतलब इसमें से हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो इसकी ग्रुपिंग हमने यहाँ पे देखिए कैसे की है, यहाँ पे हमारा ये आंसर है जिसमें कि हमने करा है, पहले राउंडेड शेप वाले जो हैं उनको ले लिया है, और जो
राउंडेड शेप नहीं है, मतलब जो अदर शेप है उनको लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो वॉट, अब हम एक एक चीज़ को देखें, वाटर क्या है, वो राउंड शेप नहीं है, तो हमने यहाँ पे उसको किस में लिख दिया, अदर शेप में। फिर हम देखेंगे जो बास्केटबॉल है ये कैसी है, राउंडेड शेप है, तो उसको हमने राउंडेड शेप में रख दिया। ऑरेंज हम देखेंगे ये भी राउंडेड शेप में आ जाएगा। फिर शुगर देखेंगे ये राउंडेड शेप नहीं है, तो इसको हमने अदर शेप में लिख दिया। फिर हम ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब क्या है हमारा, वो भी राउंडेड शेप है, तो वो हमने राउंडेड शेप में लिख दिया। एप्पल भी जो है वो भी हम इसमें राउंडेड शेप में लिख देंगे। तो इस तरह से हमने, और हमारा लास्ट बचता है अर्थन पिचर, तो ये भी जो है हमारा राउंडेड शेप में आ जाएगा। तो इसकी हमने यहाँ पे दो तरह से ग्रुपिंग कर दी, राउंडेड शेप एंड अदर शेप। तो इसके बाद अब हमारा जो है हमको दूसरी कैसे करनी है, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, मतलब किसको हम खा सकते हैं और किसको नहीं खा सकते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि वाटर हमारा किस में आ जाएगा, फर्स्ट है हमारा वाटर, तो ये हमारा आ जाएगा ईटेबल्स में। फिर हमारा बास्केटबॉल जो है ये क्या है, ईटेबल्स नहीं है, तो ये हम किस में लिख देंगे, नॉन ईटेबल्स में। ऑरेंज आ जाएगा हमारा ईटेबल्स में। शुगर आ जाएगा ईटेबल्स में। ग्लोब जो है नॉन ईटेबल। एप्पल ईटेबल एंड अर्थन पिचर नॉन ईटेबल। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग करी है। पहले हमने जो है उसको राउंड एंड अदर शेप करा, और दूसरी बार हमने ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स करे। तो इसको हमने दो तरह से यहाँ आपको करके बताया है। फिर इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हमारा सिक्स्थ आता है, लिस्ट ऑफ सम आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर। अब कह रहा है कि कुछ आइटम्स बताने हैं जो कि पानी में फ्लोट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ आइटम लिखे हैं, जैसे कि पेपर, वैक्स, वुड, और यहाँ पे आइस, ऑयल, थर्मोकोल, थिन प्लास्टिक शीट, ये सभी क्या हैं, वाटर में फ्लोट हो सकते हैं। इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। कह रहा है कि ये जो वाटर में फ्लोट हो सकते हैं ये हम चेक करेंगे कि ऑयल में या केरोसिन में भी जो है फ्लोट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पेपर है, प्लास्टिक सीट है, वैक्स है, थर्मोकोल है, वुड है, ये हमारे ऑयल में भी जो है फ्लोट हो सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग केरोसिन में चेक करेंगे, तो हमारा जो पेपर है, प्लास्टिक सीट है, थर्मोकोल है, ये हमारा केरोसिन में भी जो है वो फ्लोट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा, हमने सिक्स्थ क्वेश्चन भी देख लिया। अब हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमारे यहाँ पे जो ए बी सी डी इसमें चार दिए हुए हैं, इसमें से हमको ऑड वन आउट करने, ऑड वन आउट जैसे आपको पता है कि मतलब जितनी चीज़ें दी हैं उसमें से एक चीज़ आपको अलग करनी है, मतलब जो उसके ग्रुप में नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। तो अब हम देखेंगे कि ये जो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, ये सारी क्या हैं, फर्नीचर वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बेबी है, ये सारी फर्नीचर और जो है नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो बेबी है वो क्या है, लिविंग है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल अदर्स आर नॉन लिविंग, मतलब जो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जो बेबी है वो क्या है, लिविंग है। तो इसको हम ऑड वन आउट करेंगे, मतलब इसको अलग कर देंगे, इसको हम सर्कल कर देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला है बी, उसमें है, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो हम देख रहे हैं रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्लावर है, लेकिन हमारे ये जो बोट है ये क्या है, ये फ्लावर नहीं है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर बोट को सर्कल कर देंगे, ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग सी वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो अब हम ध्यान से देखें कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं, लेकिन जो सैंड है ये जो है मेटल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंड को जो है अलग कर देंगे, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा डी में दिया हुआ है कि शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो अब यहाँ पे क्या है,
सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें जो कि सुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे पानी में जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, सोलोबल हैं पानी में, लेकिन जो हमारी सैंड है वो वाटर में सोलोबल नहीं है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे सैंड को जो है ऑड वन आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है आपके साथ सारे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन जो है आपके साथ डिस्कस करे हैं। थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे हैं, उसी तरह से आप उसको लर्न करिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद जो है आप अपना नेम और क्लास को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।